अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकी मुस्तफा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के अपने वाले फाइनल के हवाले से, कहां फ्रांस ने गलती करी, क्या इस मैच में मैसी का ही फर्क था, और मैच पर बात करने के लिए काफ़ी मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम कमाल जमान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे फाइनल के हवाले से, कहां फ्रांस ने गलती करी? वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर मैं टर्निंग पॉइंट पे बात करूं तो नो डाउट के अर्जेंटीना ने फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट बिल्कुल इस गेम को कंट्रोल में रखा, बॉल पोजीशन अपने पास रखी और बड़ा अच्छा बॉल पोजीशन के साथ साथ बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन की, स्पेशली लेफ्ट साइड से दे मरिया के ज़रिए। और दे मरिया मैसी बड़े एक्सपीरियंस और इनकी एक बड़ी अच्छी कम्बिनेशन है। दे मरिया ने काफ़ी डिस्टर्ब किया लेफ्ट साइड से फ्रेंच टीम को। 75 मिनट तक अर्जेंटीना ने पूरा डोमिनेट किया, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट फ्रेंच कोच एज वेल जब वो दो चेंजेस करता है 71 मिनट में, हर्नांडेस को और ग्रेजमैन को, और इन दोनों को चेंज करके इनकी जगह कोमन और कमेंगा जो प्लेयर है उसको लेकर आते हैं, और ये दोनों प्लेयर गेम में एक बिल्कुल 180 डिग्री को जो है ना चेंज कर देते हैं। और इन दोनों प्लेयर्स के आने से फ्रेंच टीम को एक ऑक्सीजन मिलती है, और इस ऑक्सीजन से मेम्बापे पूरा फ़ायदा लेता है, और मेम्बापे पेनल्टी पे गोल करते और फिर 97 सेकेंड के बाद दूसरा गोल करके मैच बराबर कर देता है। इस मैच में टर्निंग पॉइंट जो है, पहले अगर 75 मिनट की बात की जाए तो मिडफील्ड किसी भी टीम की एक बैकबोन होती है, और फ्रेंच की टीम का बैकबोन बिल्कुल आउट था मिडफील्ड उनकी बिल्कुल, क्योंकि मेम्बापे 45 मिनट में आई थिंक नॉट मोर देन 2 और 3 पासेस जो है ना मेम्बापे को मिले, जो डेफिनेटली मिडफील्ड की कमज़ोरी भी है। और लेकिन इस मैच में जो मैं बार बार यही कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट, व्हाट अ मेंटालिटी बोथ द टीम, बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी के साथ दोनों टीम खेले। एट द 11th आवर उन्होंने गिव अप नहीं किया दोनों टीमों ने, दो दो गोल ड्रा होने के बाद अर्जेंटीना फिर गोल करती है, और फ्रांस जो है ना 3 मिनट पहले वो गोल ड्रा कर देती है पेनल्टी किक्स पे। यू नो किट्स एवरी वो मतलब एक एनी वन गेम हो जाता है पेनल्टी किक्स पे, कोई भी टीम जीत सकती है। तो आई थिंक फुटबॉल की हिस्ट्री में ऐसा फाइनल कभी नहीं हुआ, 3-3 गोल ड्रा होने के बाद ये अर्जेंटीना ने जो फाइनल जीता है। और अर्जेंटीना को एक एज था, वो एज क्राउड का, पूरी दुनिया की सपोर्ट जो थी ना अर्जेंटीना के साथ थी कि ये वर्ल्ड कप जो है ना अर्जेंटीना जीते। अर्जेंटीना की जगह अगर मैं ये कहूँ कि मैसी जीते तो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैसी ने जो फुटबॉल में कंट्रीब्यूट किया, आई थिंक ही डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट जरूर कीजिएगा मैसी के कैरियर के हवाले से, साथ साथ किस वर्ल्ड कप का फाइनल था उसका टर्निंग पॉइंट क्या था। तो नेक्स्ट शो में आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।